नमस्कार, मैं हूं वनिता और एक बार फिर हाजिर हूं लेकर आपका फेवरेट शो आरोग्य मंत्र। दोस्तों, आरोग्य मंत्र के हर एपिसोड में हमें बहुत सारी फ़ोन कॉल्स मिलती हैं जिसमें लोग अपनी अलग अलग हेल्थ प्रॉब्लम्स हमसे डिस्कस करते हैं और हमारी भी ये कोशिश रहती है कि उनको हर तरह से हम उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता सकें। आज हमने जिस टॉपिक को उठाया है वो भी आमतौर पर हमें अक्सर सुनने को मिलता है। आज हम बात करेंगे एड़ी के दर्द के बारे में। एड़ी का दर्द बहुत से लोगों को होता है और ज़्यादातर सवेरे जब वो सो के उठते हैं तब होता है। क्यों होता है ऐसा और उसका उपचार क्या है, आज ये सारी बातें जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको सबसे पहले बता देते हैं हमारा हेल्पलाइन नंबर जो है 01294040404। ये एक हेल्पलाइन नंबर है जिससे आप अपने आप को जीवा के साथ फ्री में रजिस्टर करा सकते हैं और जीवा की तरफ से फ्री कंसल्टेशन भी पा सकते हैं। और आइए अब स्वागत करते हैं हमारे खास मेहमान का, विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। एड़ी का दर्द अक्सर हम सुनते हैं अपने शो में ही, क्यों होता है एड़ी का दर्द? देखिए, पहले तो आपने जो विषय लिया है बड़ा अच्छा विषय है क्योंकि बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। कई बार हम इसको जो है रोग नहीं मानते, बहुत सारे लोग हैं वो सोचते हैं चल ऐसे ही हो रहा है। तो क्योंकि होता क्या है कि जैसे सुबह आप सो के उठे, जैसे ही आपने जमीन पर पैर रखा तो बड़ा दर्द होता है एड़ी के अंदर। थोड़ी देर चले, चलने पर कुछ ठीक हो जाता है। बहुत सारे लोग इससे पीड़ित रहते हैं लेकिन वो इसको रोग नहीं मानते और इसको नज़रअंदाज करते हैं। या कई बार आप काफ़ी देर तक बैठे हुए हैं, सोफे पर बैठे हैं या आप चारपाई पर बैठे हैं या आप कुर्सी पर बैठे हैं और जैसे ही खड़े होकर के चलते हैं तो बड़ा पैर रखना मुश्किल हो जाता है ज़मीन पर, बिल्कुल आपको बड़ा दर्द होता है एड़ी के अंदर। थोड़ी देर चले फिर ठीक हो गया। तो ये बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है। कुछ लोगों को अधिक देर तक भी दर्द रहता है, कुछ को परमानेंटली दर्द रहता है, लेकिन इस तरह का दर्द जो है वो आम तौर पर हुआ करता है लोगों को। और बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि वो इसको ऐसे ही समझते हैं कि चलो ये तो ठीक है, कोई खास बड़ी बात नहीं है, और इसको नकार देते हैं। लेकिन यही रोग जो है फिर आगे चल करके और भयंकर रूप धारण कर लेता है। तो इसलिए इसके कारण, लक्षण और सब चीज़ों को अच्छी तरह से आज एक्सप्लेन करेंगे हम। इसके जो उपचार भी आपको कुछ बताएंगे, और अगर आप भी एड़ी के दर्द से पीड़ित हैं तो आप ज़रूर इसको ध्यान से सुनिए। साथ में और भी कोई समस्याएं हैं जो हमारे फ़ोन द्वारा हम बताते हैं उनको भी आप सुनते रहिए, और उसके माध्यम से भी आपको काफ़ी हम जो है रोगों के बारे में ज्ञान प्रदान करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब ने फ़ोन कॉल का जिक्र किया है और आज की पहली कॉल हमारे साथ जुड़ गई है, हम उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका आरोग्य मंत्र में। हाँ नमस्ते जी, बताइए क्या नाम है, कहाँ से बात कर रही हैं आप? हम पंजाब से बात कर रहे हैं जी। क्या नाम है आपका? जूही की मम्मी है। जूही की मम्मी। हाँ बताइए, क्या प्रश्न है आपका? जी हमें बात करना है, दिसंबर महीने से मेरे हाथ का दो उंगली है ना, उसमें बहुत खुजली होता था, छोटा छोटा दाना था जी। हाँ जी। फिर जब वो खुजलाए ना तो वो दाना मैंने फूट कर पानी जैसा हो गया, फिर मैंने क्रैक होकर वहाँ का मांस फटने लगा जी। फिर उसके बाद हम होम्योपैथी कराए तो फायदा नहीं होगा, बता ही गया। फिर हम लोग एयरफोर्स में हैं। अच्छा। फिर अपने सर्विस में दिखाए तो वो दवा खाते हैं तो ठीक हो जाता है, फिर वो सही होने लगता है। तो उसमें खुजली होती है? हाँ, अभी फिर दवा छोड़ दिया तो फिर खुजली हो रही है। और वो दाने जो निकलते हैं उसमें पानी भी निकलता है? हाँ, जैसे दाना भी जैसे निकल जाता है ना तो पानी नहीं निकलता, ऐसी खुजली होते रहता, फिर मैंने लाइन लाइन सा क्रैक होके वहाँ से मांस फटने लगता है। अच्छा अच्छा, देखिए ज़्यादा घबराइए नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है घबराने की। त्वचा का रोग है एक प्रकार का, इसको अगर थोड़ा नामकरण इसका करना चाहेंगे तो इसको एक्जिमा भी कह सकते हैं, ड्राई एक्जिमा आपको है। हाँ, और वाला डॉक्टर बोला था एक्जिमा। हाँ, कोई बात नहीं, कोई नहीं, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, चिंता मत करिए। एक तो आपको रक्त शोधन जरूर करना है, यानी कि खून की शुद्धि आपको करनी पड़ेगी। नीम का पेड़ अगर आपके आसपास है तो 4-5 पत्ते नीम के रोज सुबह खाली पेट खाइए। दूसरा जो है इसमें नारियल का तेल लगाइए, आप रोज दिन में 2-3 बार नारियल का तेल लगाइए। और साथ में हमारे ये जो नंबर आपको पास आते हैं टेलीविज़न में, इसी पर फ़ोन करके डॉक्टर से थोड़ा बात करके कुछ आयुर्वेदिक दवाई भी मंगा लीजिए इसके लिए, तो आपका रोग बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्योंकि आयुर्वेदिक दवाई इसमें इसलिए खानी पड़ेगी आपको क्योंकि आयुर्वेदिक दवाई से आपके रक्त की शुद्धि होगी और मुख्य रूप से जो इसका रूट कॉज है पित्त का शमन होगा, और साथ में पित्तवर्धक चीज़ें आपको बंद करनी पड़ेंगी। अगर किसी प्रकार की आप गर्म तासीर वाली कोई चीज़ खाते हैं, चाय, कॉफ़ी, मिर्ची मसाले, अचार, खटाई वगैरह, उनको बिल्कुल 100% बंद कर दीजिए तो रोग ठीक हो जाएगा। कोई ऐसी बात नहीं, ज़्यादा पुराना रोग है नहीं आपका, 5-6 महीने अभी हुए हैं, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं।
चलिए, तो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से बता दिया कि आपको क्या करना है ताकि आपको भरपूर फायदा मिल सके। डॉक्टर साहब, एड़ी का दर्द हमारा आज का टॉपिक है। आपने बताया कि कैसा कैसी फीलिंग होती है जब एड़ी का दर्द होता है, लेकिन ये होता क्यों है? देखिए, आयुर्वेद में इसको बोलते हैं वात कंटक। इस रोग का नाम वात कंटक है, अब नाम से ही पता चल रहा है। वात तो वात होती है, वात पित्त कफ, कंटक मतलब कांटा, जैसे वात का कांटा जैसे कहिए उसको, कांटे जैसा, चुभने जैसा वहाँ पर दर्द होता है। या ये तो एड़ी में जब होता है तो वात कंटक बोलते हैं इसको। थोड़ा सा और ऊपर टखने में भी कई बार दर्द आ जाता है तो उसको गुल्फ वात बोलते हैं, वहाँ भी वात है। गुल्फ मतलब टखने में वायु का आना, तो वात इसमें मूल कारण है। और वात बढ़ने के कारण हमने बहुत बारी पहले भी बताए हैं, बादी वाली चीज़ें अगर आप ज़्यादा खाते हैं, बहुत ज़्यादा आप जो है अगर रूखी सूखी चीज़ें खाते हैं, ठंडी चीज़ों का सेवन बहुत करते हैं, केमिकल्स प्रधान जो बहुत भोजन आप खाते हैं, जंक फूड जिसको हम कहते हैं, फास्ट फूड जिसको कहते हैं, बहुत ज़्यादा जो है आप मैदे वाली चीज़ें अगर आप सेवन करते हैं, आपका माइंड बहुत ज़्यादा विचलित रहता है, बहुत ज़्यादा चिंता आप करते हैं, बहुत ट्रैवलिंग आप करते हैं, मूवमेंट का काम आपका बहुत ज़्यादा, चलने का काम है, तो ये तमाम चीज़ें जो है वात को प्रकोपित करती हैं। और वात प्रकोप होने से वो इस केस में कहाँ गया, आपकी एड़ी के अंदर चला गया। इसलिए इसके जो मूल कारण हैं वो मुख्य रूप से हम यही मानते हैं, वातवर्धक भोजन, वातवर्धक जो है लाइफस्टाइल, और इसके साथ साथ वायु जब बढ़ती है और एड़ी में जाकर वो स्थापित होती है तो वहाँ जा कर के वो एड़ी में दर्द पैदा करती है। चलिए, तो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से हमें समझाया कि एड़ी का दर्द हमें होता क्यों है, लेकिन इससे बच कैसे सकते हैं और क्या इंपॉर्टेंट टिप्स हैं इससे रिलेटेड, ये सब जानेंगे डॉक्टर साहब से। लेकिन फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। हेल्पलाइन नंबर है 0129 40 40 40 4। जल्द लौटते हैं इस ब्रेक के बाद।